अगर आपका बजट 50,000 के आसपास है और अभी आप अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने का सोच रहे हैं या फिर अपने लिए ढूंढ रहे कोई ऐसा एक बेस्ट न्यू स्मार्टफोन जहां पे आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन चाहिए, तो ये जो बजट रेंजर है यहाँ पे आपको सैमसंग, वन प्लस, एप्पल, वीवो, रियलमी के एकदम फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने आज आपके लिए इस बजट रेंज में आपके नीड के अकॉर्डिंग कुछ स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया है जहां पे आपको एकदम अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल का कैमरा है, उसके अलावा जितनी भी स्पेसिफिकेशन जाती है वो एकदम आपको टॉप ऑफ द लाइन देखने को मिल जाती है, एकदम तगड़ी है, जबरदस्त है। सो हे टेकीज, कैसे हो आप सभी लोग? तो अगर आप भी इस बजट में कोई सा ऐसा ही स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 50,000 जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी H21 FE। तो अगर आप इस बजट में कोई सा एक बेस्ट सैमसंग का स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो मेरे ख्याल से H21 FE आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। वैसे आप H21 के साथ भी जा सकते हैं अगर वो आपको अंडर 50,000 के बजट रेंज में मिले तो। बाकी बात कर लेते हैं H21 FE के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस की फुल HD+ वाली डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। इस स्मार्टफोन में आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट है। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको सैमसंग का ही एक्सिनोस 2100 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, वन यूआई 4 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4500mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 25 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। बात करें कैमरा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 12 MP का है, दूसरा कैमरा 12 MP का अल्ट्रा वाइड शूटर और तीसरा कैमरा 8 MP का टेलीफोटो जूम लेंस है। फ्रंट में भी आपको 32 MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 4K तक की वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, सुपर स्लो मोशन पे भी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, 3x तक ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन मिल जाएगा और 30x तक स्पेस जूम का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। IP68 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट वाला सर्टिफिकेशन है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 54,999 रुपीज में। हालांकि प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है पर अगर आप सेल का वेट करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको अंडर 50K में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है आईकू की तरफ से, आईकू 9। तो अगर आप इस बजट रेंज में कोई सा एक बेस्ट आईकू का स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे जहाँ पे आपको अच्छा खासा पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाए, अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस और साथ साथ में आपको अच्छी खासी कैमरे की क्वालिटी भी मिल जाए तो मेरे ख्याल से आईकू 9 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको 6.78 इंचेस की फुल HD+ वाली एक 10-bit AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। HDR10+ वाली डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा, 1200 nits की पिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888+ वाला एक फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। 4350mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 120 वोल्ट के सुपर फास्ट चार्जिंग को। बात करें कैमरा फीचर की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 48 MP का है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है, दूसरा कैमरा 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर मिल जाता है और तीसरा कैमरा भी 13 MP का 50mm पोर्ट्रेट शूटर है। फ्रंट में आपको 16 MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में OIS का सपोर्ट है, EIS का सपोर्ट भी मिल जाता है, गिम्बल स्टेबलाइजेशन है, 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको डुअल एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर मिल जाती है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है, वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, डस्ट रेजिस्टेंट और वाटर रेजिस्टेंट डिजाइन देखने को मिल जाएगा, LPDDR5 की रैम है, UFS 3.1 की स्टोरेज है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 12GB रैम प्लस 256GB रोम वाला हायर वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 46,990 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी GT2 Pro और मोटोरोला की तरफ से मोटो S30 Pro। आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग। बाकी बात कर लेते हैं रियलमी GT2 Pro के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 6.7 इंचेस की क्वाड HD+ वाले 2K सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये एक LTPO 2.0 वाली डिस्प्ले है जो की 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है, HDR10+ का सपोर्ट भी मिल जाता है, 4200 nits की पिक ब्राइटनेस है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट मिल जाता है। और अगर बात करें प्रोसेसर की तो
यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, रियलमी UI पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 65W के सुपर डार्ट फास्ट चार्जिंग को। बात करें अगर कैमरे की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है, दूसरा कैमरा भी आपको 50MP का अल्ट्रा वाइड शूटर मिल जाएगा, 150 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है और तीसरा कैमरा 2MP का है। फ्रंट में आपको 32MP का सेल्फी जिटर मिल जाता है। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी, सुपर नाइटस्केप, अल्ट्रा वाइड एंगल, फिश आई मोड और डुअल व्यू वीडियो मोड जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। सुपर स्लो मोशन पे वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, 8K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको सुपर लीनियर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस की तरफ से आने वाला ऑडियो सर्टिफिकेशन है, स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग सिस्टम है, एक्स एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर है, LPDDR5 की रैम मिल जाती है, UFS 3.1 की स्टोरेज भी है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 8GB RAM प्लस 128GB ROM वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 49,999 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट में नंबर सेकंड पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है OnePlus की तरफ से OnePlus 9 Pro। ये वही सेम स्मार्टफोन है जो पिछले साल 65,000 के बजट रेंज में आपको देखने को मिल जा रहा था, जहां पे आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रही थी, हेजल ब्लेड की ब्रांडिंग, अच्छा खासा एकदम फ्लैगशिप लेवल का कैमरा, परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप नॉच लेवल की जो कि अभी 50,000 के बजट रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छी डील है अगर आपको OnePlus का स्मार्टफोन चाहिए था इस बजट रेंज में। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे आपको 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये एक LTPO वाली डिस्प्ले है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट भी मिल जाता है। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 वाला एक फ्लैगशिप 5G प्रोसेसर मिल जाता है, एंडिनो का 660 वाला GPU है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पे आता है, ऑक्सीजन ओएस पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4500mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 65W के सुपर फास्ट चार्जिंग को। 50W तक का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। बात करें कैमरे की तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें से प्राइमरी कैमरा आपको 48MP का देखने को मिल जाएगा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का भी सपोर्ट है, अपर्चर f1.8 का मिलेगा, दूसरा कैमरा 50MP का अल्ट्रा वाइड शूटर है, तीसरा कैमरा 8MP का टेलीफोटो जूम लेंस और चौथा कैमरा आपको 2MP का मोनो शूटर मिल जाता है। फ्रंट में भी आपको 16MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको हेजल ब्लेड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है, 8K तक की वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है और 4K तक की वीडियोस को आप 120fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। LPDDR5 की रैम मिल जाएगी, UFS 3.1 की स्टोरेज है। और अगर फाइनली बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 8GB RAM प्लस 128GB ROM वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 49,999 रुपीज में। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है वीवो की तरफ से वीवो X80। ये जो स्मार्टफोन है ना इंडिया में बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, एकदम टॉप नॉच लेवल का प्रोसेसर है, टॉप नॉच लेवल का कैमरे की क्वालिटी है। पिछले साल जो वीवो X70 था ना वहाँ पे आपको कैमरे की क्वालिटी तो बहुत अच्छी देखने को मिलती थी पर एक मीडियाटेक का एवरेज प्रोसेसर देखने को मिलता था। पर इस बार वीवो ने कोई भी कंजूसी नहीं करी है, इस बार आपको 8 Gen 1 वाला प्रोसेसर है ना उसके सेम कॉम्पिटिशन वाला प्रोसेसर दिया गया है इसमें। बाकी बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पे आपको 6.78 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली E5 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये एक ब्यूटीफुल 3D कर्व डिस्प्ले है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 9000 वाला एक अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन के 8 Gen 1 वाला जो प्रोसेसर है ना उसके जितना ही पावरफुल है और उसके साथ साथ इसमें आपको कैमरे के लिए वीवो की V1 चिप देखने को मिल जाती है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, फ्रंट टच ओएस पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4500mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती 80W के फास्ट फ्लैश चार्जिंग को। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के मेन हाईलाइट की जो कि है कैमरा। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है और जो सेंसर यूज किया गया ना वो सोनी का एकदम फ्लैगशिप लेवल का IMX866 वाला सेंसर है, अपर्चर f1.75 का मिल जाता है, दूसरा कैमरा 12MP का है और तीसरा कैमरा भी आपको 12MP का मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको ज़ाइस की ब्रांडिंग मिल जाती है, फ्रंट में भी आपको 32MP का सेल्फी शूटर मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट है और जो कैमरे की क्वालिटी आने वाली है ना इस स्मार्टफोन से वो आपको एकदम टॉप नॉच लेवल की मिलने वाली है। बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड मिल जाते हैं जैसे कि नाइट मोड,
मोड, पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट फोटो और पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी मिल जाता है, डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाता है, डुअल व्यू वीडियो मोड भी है, और साथ में आपको इस स्मार्टफोन में ज़ाइस का सिनेमेटिक बोके इफेक्ट मिल जाएगा, ज़ाइस का नेचुरल कलर देखने को मिल जाएगा। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स के, तो यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर मिल जाती है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है, एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट भी मिल जाता है, LPDDR5 की रैम है, UFS 3.1 की स्टोरेज है। और अगर फाइनली बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 54,999 रुपीज में। तो दोस्तों ये तो थे हमारी लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जिनकी प्राइसिंग आपको 50,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। सारे के सारे आपको एकदम अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल के देखने को मिल जाते हैं। कुछ स्मार्टफोन को मैंने इस बजट में एड नहीं किया है, जैसे कि एप्पल की तरफ से आईफोन 12, वो भी इस बजट में एकदम टॉप नॉच लेवल का स्मार्टफोन है, पर उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा थी, इसीलिए उस स्मार्टफोन को हमने इस लिस्ट में एड नहीं किया है। पर अगर आपको एक बेस्ट एप्पल का स्मार्टफोन चाहिए, तो आईफोन 12 के साथ आप नो डाउट बिल्कुल जा सकते हैं, जहाँ पे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस हो गई, कैमरे की क्वालिटी हो गई, सब कुछ टॉप नॉच लेवल का मिलने वाला है। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो, तो हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।